पेरेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विंग्स पेरेंट पोर्टल। वी सेलिब्रेटेड होली विद आवर किड्स विद फन एंड मस्ती। वी हैव रिसीव्ड मेनी वीडियोस एंड पिक्चर्स फ्रॉम योर साइट। थैंक्स फॉर शेयरिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट न्यू टॉपिक एंड टूडेज टॉपिक इज अपने बच्चों को हम किस तरह से मोबाइल का एडिक्शन ना होने दें, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कौन कौन सी टिप्स हैं जो अगर हम अभी से करें तो हमारा बच्चा मोबाइल एडिक्ट ना बने। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो जब बच्चे को हम फर्स्ट टाइम मोबाइल इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे को मोबाइल कौन इंट्रोड्यूस करता है? बच्चे को मोबाइल पेरेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा जब वो बहुत छोटा होता है, लाइक 6-7 मंथ का होता है, तब अगर वो खाना नहीं खा रहा है या फिर वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो पेरेंट एक बहुत इजी टूल है, उसको मोबाइल पर कुछ भी कार्टून्स या कुछ लगाकर दे देते हैं, जिससे क्या होता है धीरे धीरे जो बच्चा है वो उसका एडिक्ट हो जाता है और उसको जब तक मोबाइल नहीं होगा तब तक वो खाना नहीं खाएगा। और समटाइम हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि अगर ये मोबाइल ना देखे तो खाना नहीं खाता, लेकिन बहुत ही अनोइंग वे में हम ये भूल जाते हैं कि हम बच्चे को कहीं ना कहीं उसका जो स्क्रीन टाइम है वो इंक्रीज डे बाय डे हम कर रहे हैं और इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम अपने बच्चे को इस जो इंक्रीज होगा इसका स्क्रीन टाइम आगे चल के वो ना हो और बच्चे का बैलेंस बना रहे। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल जो टाइम है उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी डे बाय डे आती जा रही है और इट्स नॉट पॉसिबल कि हम बच्चे को टेक्नोलॉजी से बचा के रखें। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप बच्चे को सिर्फ मोबाइल ना दिखाएं बिल्कुल भी, या फिर आप एक उसका टाइम टेबल बनाएं कि आप अभी मोबाइल देखोगे तब देखोगे, ऐसा नहीं है। हम बच्चे को प्रिपेयर करें कि बच्चा खुद चूज करे कि मुझे कब मोबाइल देखना है और मुझे कब मोबाइल नहीं देखना है। तो इसके लिए स्टार्टिंग से हमें क्या करना है, जैसे कि बच्चा जब खाना नहीं खाता तो हम क्या बच्चे को मोबाइल दिखा देते हैं, तो हमें क्या करना है, हम बच्चे को जब खाना खिलाएं तो उसके साथ हम कम्युनिकेशन करें। और वो कैसे करेंगे, 6-7 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो तो रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन वो ऑब्जर्व सब करता है, सुनता सब कुछ है। तो हम बच्चे को बताएं कि हम क्या खा रहे हैं, ये कौन सी दाल है, ये कौन सा राइस है, और इस तरह से हम बच्चे के साथ बात कर सकते हैं, ना कि हम उसको मोबाइल दें। नेक्स्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी फैमिली पिक्चर्स उसका कोलाज बनाएं और उसको लैपटॉप पे भी चला सकते हैं, एंड देन वहां पर हम बच्चे को बता सकते हैं कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, दादू कहाँ है, दादी कहाँ है, नाना कहाँ है, नानी कहाँ है। तो इस तरह से क्या है, धीरे धीरे जो बच्चा है वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी जानता है, एंड देन उसका जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक एनहेंसमेंट है, वो भी होता है, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है। तो धीरे धीरे जो बच्चा है वो ऐसा नहीं होता कि वो जब मोबाइल चलेगा तभी चीजें देखेगा। तो बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करना, बच्चे के साथ इंटरेक्टिव वे में कैसे आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको अपने साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको राइम्स ही बच्चे को सिखानी है तो आप सिखाइए, आप बोलिए उसके साथ राइम, आप उसके साथ गाइए, ना कि आप उसको वीडियो चला कर दें। अगर हम ये चीजें करें तो डेफिनेटली जो है हमारा जो बच्चा है उसका स्क्रीन टाइम कभी इंक्रीज नहीं होगा। और लेटर ऑन जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तब हम उसको बता सकते हैं कि आपको मोबाइल आप कैसे देखें, उसको कैसे यूज करें। ये नहीं हमें बताना कि आपको मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि आगे जाके उसकी हो सकता है क्लासेस भी उस पर हों, काफी सारी जो चीजें हैं उस पर भी हों, तो वो चीज हम नहीं कर सकते। तो हमेशा अपने बच्चे को हम ये बताएं कि आपको किस तरह से अपने आप को बैलेंस करना है, किस तरह से सारी चीजों को बैलेंस करके चलना है, ये चीज बताना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स।